एक बात ध्यान में रखना कि मैं सिर्फ यहाँ पे प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, नॉट एन आई टी, नॉट सोवी आई टी, ठीक है? क्योंकि अगर एम सी ए के लिए तो जितने भी NITs हैं वो बहुत अच्छी वहाँ पे प्लेसमेंट्स होती है। जो तीसरे नंबर पे मैं रख रहा हूँ MIT को, और MIT कर्नाटका में आती है, और अभी मैं ये बता दूँ ना कि वहाँ की प्लेसमेंट रियली में तोड़ू। या लुक्स परफेक्ट। सो हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज वैभव सिद्धार्थ हियर। और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं अपने MCA के जर्नी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। और ये वीडियो इसलिए इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब मैं एज अ नॉर्थ का स्टूडेंट, अगर आप भी नॉर्थ के स्टूडेंट हो तो आप भी अपनी स्टोरी को मेरे साथ अभी बताया रिलेट कर रहे होंगे, ठीक है? जब इस वीडियो की एंडिंग तक जाओगे तो आप अपने सपने साथ मेरे स्टोरी को भी आप यहाँ पर रिलेट कर रहे होंगे। आज से 2 साल पहले जब मैंने BCA कंप्लीट करा तो उसके बाद मेरे दिमाग में सिर्फ यही ख्याल आ रही थी कि भाई मैंने तो BCA कंप्लीट कर दी बट अब मुझे MCA साउथ से करना है। और एक्चुअली में दिस इज़ अ वेरी ग्रेट डिसीजन फॉर योर साइड। चलते हैं तो बताते हैं हमारे साथ क्या क्या परेशानी हुई और आपके साथ साथ क्या परेशानी होती है और तुम्हें क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी चाहिए अगर तुम MCA कर रहे हो। तो सो मुझे ये तो था दिमाग में था कि मुझे बैंगलोर से ही MCA करना है। सो मैं बात बताऊँ तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि आपका जो स्किल्स है ना, यू आर फ्रॉम बिहार और नॉर्थ इंडियन, सबसे पहले आप ये सोचते हो कि मुझे इंग्लिश नहीं आती है तो मैं वहाँ कैसे जा सकता हूँ क्योंकि वहाँ पे सबको इंग्लिश में ही बात करते। तो सबसे पहले देखो यार, तुम्हारा सिर्फ स्किल्स बढ़िया होना चाहिए। अगर तुम्हारा स्किल्स अच्छा है, तुम्हारा C++ या जावा, तुम किसी भी स्किल्स में अच्छे हो, इंग्लिश मैटर नहीं करता भाई। यहाँ पे तुम आके इंग्लिश सीख जाओगे। और तुम जो कॉलेज पर कैसे ढूंढते हो ना, मैनेजमेंट कोटा, RB में जाते हैं, RB इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ, RB इज़ द बेस्ट कॉलेज ऑफ बैंगलोर। उसके बाद सोचते हो MS रमैया में जाते हैं, MS रमैया तो और भी अच्छा कॉलेज है। सिर्फ ये देख लिया कि हाँ कि जो टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, या तो क्राइस्ट में जाते हैं, भाई क्राइस्ट तो बहुत अच्छा कॉलेज है, या PSC यूनिवर्सिटी में जाते हैं, वो भी तो बहुत अच्छी कॉलेज है। बट एक्चुअली में हम लोग क्या मिस करते हैं ना, हम लोग सिर्फ ये देखते हैं कि टॉप कॉलेज कौन सी है, हमें सिर्फ टॉप ही कॉलेज में जानी है। और यहाँ के चलते यहाँ के जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी तो भाव बढ़ जाती है क्योंकि तुम तो बात कर रहे हो टॉप यूनिवर्सिटीज़ की, और देखो तुम्हारे जिसमें कितने लोग होंगे जो बात कर रहे होंगे टॉप यूनिवर्सिटीज़ की। तो एक्चुअली में सो मैंने भी यहीं स्टार्ट करा। सबसे पहले देखा RV, तो उसकी तो फीस बहुत ज़्यादा थी मैनेजमेंट की, 3 लाख पर ईयर, और उस मैनेजमेंट का अलग होता है इनका फंडा। और अगर तुम होता है MS रमैया में जाते हो तो सेम टू सेम मैनेजमेंट वाली, पैसा दो एडमिशन लो, सिर्फ तुम्हारे पास जो पैसे होने चाहिए। तो मैं बोला नहीं भाई, हम मेरे पास स्किल्स है, मैं निकालूंगा कोई अच्छी कॉलेज। तो सबसे पहले मैंने ट्राई किया MIT मणिपाल, और MIT मणिपाल के फर्स्ट ही अटैम्प्ट मेरा एडमिशन हो गया MIT मणिपाल। और एक्चुअल में मैं अपना अगर ये बताऊँ ना कि अगर टोटल कर्नाटका में विच इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ MCA, तो MCA के लिए बेस्ट यूनिवर्सिटी MIT मणिपाल है। MIT मणिपाल से अच्छा MCA का प्लेसमेंट कहीं नहीं है। क्योंकि तुम मतलब किसी कॉलेज में क्यों जाते हो, क्योंकि तुम्हें अच्छा प्लेसमेंट मिल सके, ऑब्वियस सी बात है। सो मैं भी MIT मणिपाल में क्यों गया रहा, क्योंकि मैं जानता था कि वहाँ पे मेरी प्लेसमेंट हो जाएगी। बट वहाँ का एक बात हमेशा ध्यान रख लेना, वहाँ पे वो होता है जो एडमिशन क्राइटेरिया होता है वो एक तरीके से जो परसेंटेज बेस्ड होता है, वहाँ पे कोई भी सो मैनेजमेंट का जो क्राइटेरिया नहीं है। इफ़ यू वांट टू थिंक दैट कि मैं वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से जा सकता हूँ, तो तुम वहाँ पे मैनेजमेंट कोटा से जा ही नहीं सकते, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ एक ही तरीके का जो एंट्रेंस होता है, वो भी उसको एंट्रेंस नहीं बोलते हैं। तुम वहाँ पे सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट को अपलोड करो, तुम्हारे अकॉर्डिंग टू योर BCA मार्क्स तुम्हें वहाँ पे सेलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है? और अगर मैं होता बैंगलोर की बात करूँ तो विच यूनिवर्सिटी इज़ गुड इनफ, तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करूंगा ना कि जहाँ पे तुम्हारा आसानी से एडमिशन हो जाए तो वो यूनिवर्सिटी बेस्ट है। आसानी से जहाँ से भी एडमिशन हो जाए, लाइक अगर तुम RV और MS रमैया में जाते हो तो बिना मैनेजमेंट कोटा के तो वो तो पॉसिबल ही नहीं, अगर तुम नॉन कर्नाटक स्टूडेंट हो तो, और बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ते। तो मैं बोलता हूँ कि तुम इतना पैसे क्यों खर्च करोगे यार, सिर्फ एक जो कॉलेज के ब्रांड नेम के लिए नहीं। अब तुम बैंगलोर में हो भाई, अगर तुम्हारा इन कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता तुम ऑफ कैंपस तोड़ ही लोगे कहीं से, अगर तुम्हारे अंदर स्किल्स है तो, ठीक है? तो मैं MCA के लिए बेस्ट कॉलेज मैं आज बताने जा रहा हूँ बैंगलोर का बेस्ट कॉलेज कौन सा MCA के लिए। और मैं बताऊँगा यहाँ पे PSC यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ बैंगलोर, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना लाइक हाँ तुम्हारा इंटरव्यू होगा, बहुत जो फेयर इंटरव्यू होता है, और तुम्हारा सिलेक्शन हो ही जाता है MCA के लिए, ठीक है? और MCA का अगर तुम्हारा जो यहाँ पे सिलेक्शन हो गया तो गाइस यहाँ की थोड़ी सी ये है कि थोड़ी सी जो अटेंडेंस की जहाँ तक मैं बात करता हूँ, अटेंडेंस 80% है भाई, तुमको ना अटेंडेंस रखना ही पड़ेगा, थोड़ा स्ट्रिक्ट है कॉलेज यार। बट अगर प्लेसमेंट वाइज बात करूँ, अगर तुम्हारा थ्रू आउट 60% है, 10th 12th और BCA और जो भी तुम ऐसे जो भी कोर्स हो, BSc विथ मैथ्स, अगर थ्रू आउट 60% है ना, तो तुम यहाँ पे गूगल तक भी तोड़ सकते हो भाई, क्योंकि यहाँ पे 250 से 300 कंपनी आती है, और अभी मैं बैठा हूँ PSC यूनिवर्सिटी।
तो गाइज तुम्हें अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा भर भर के मिलने वाली, अगर थ्रू आउट 60% है तभी आना, अगर थ्रू आउट 60% नहीं है, अगर जो हो सकता है कि ड्यूअल पे बहुत स्टूडेंट्स के 59% होते हैं 58% होते हैं, तब तो भाई नहीं आना, बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी और तुम झूठ मूठ का यहाँ पर पैसा खर्चा करोगे, फिर ऑफ कैंपस जाओगे। तो ऑफ कैंपस जाने से अच्छा है तुम बैंगलोर के किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में तुम एडमिशन ले सकते हो। जैसे मैं, सबसे पहले मैंने विजिट करी केली कॉलेज, तो केली कॉलेज में भी ठीक ठाक एमसी हो जाती है, और वहाँ पे एमसी देखो, अगर तुम यहाँ पे एमसी करते पीएससी यूनिवर्सिटी में 2.5 लाख का एक साल का लगा के, और अगर तुम केली यूनिवर्सिटी में 80,000 का एक साल का लगा कर एमसी करते हो, तो देखो यहाँ पे भी तुमको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलेगी, वो भी जो 3-4 लाख वाले जो कंपनी में, क्योंकि तुम्हारा जो क्राइटेरिया में ही नहीं आएगा, ठीक है, तो वहाँ पे एक जो प्रॉब्लम आ जाती है। अगर तुम केली में जाते हो तो वहाँ पे भी ऐसा ही है, 8-9 कंपनी मिलेगी, अगर तोड़े तो ठीक है, अदरवाइज ऑफ कैंपस जाओ, ठीक है, 80% मार्क्स है, तुम यहाँ पे तुम मतलब पीएससी यूनिवर्सिटी में जा सकते हो, सो क्राइस्ट में भी जा सकते हो। थोड़ा सा क्राइस्ट का ये फंडा है ना कि अगर तुम एमसी के लिए जाते हो तो वहाँ पे सीट्स बहुत कम है और वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जब मैं पिछले साल मैं क्राइस्ट के स्टूडेंट का इंटरव्यूज ले रहा था, तो एमसी के बहुत सारे इनरोलमेंट आए थे मेरे साथ, और सीट्स कितने ओनली आई थिंक 120 वहाँ पे सीट्स है क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। अगर तुम्हारे स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बेसिक्स क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तुम्हें प्रोग्रामिंग हो जाता है, तो आई होप सो कि हो जाए। लेकिन देखो क्राइस में भी यही होता है कि अगर तुम्हारा जो परसेंटेज 60% से कम है तो वो नहीं लेंगे, वो कंसिडर नहीं करेंगे, ठीक है। तो क्राइस में तुम पहले ये सोचो कि तुम्हें किस यूनिवर्सिटी में जाना है, क्राइस में जाना है, जाना वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। आई थिंक ऐसा हो सकता है कि तुम जो क्राइस में जाना चाहो बट तुम सेलेक्ट ही नहीं हो, फर्स्ट राउंड में तुमने डाला तुम नहीं सेलेक्ट, सेकेंड में हुए, थर्ड में हुए। एक्चुअली मेरे पास कुछ कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के भी आते हैं कॉल कि भैया मैं 2 साल से क्राइस्ट में ट्राई कर रहा हूँ कि हर एक राउंड में मैं बैठता हूँ लेकिन मेरा होता ही नहीं। तब मैं बाद में पूछता हूँ भाई तेरा हो क्यों नहीं रहा है बीसीए या बीएससी में या जो भी है इस बैचलर्स में तेरे पर कितने परसेंट है, तो बोलते हैं भाई 58%। तो मैं बोलता हूँ 100% नहीं होगा, क्योंकि वो लोग होता है कि 60 से नीचे वाले को लेते ही नहीं है। तो ये क्राइटेरिया अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम एमएस रमेय में जाते हो, बहुत बड़े कॉलेज में जाते हो, अरे भाई वहाँ पे भी क्राइटेरिया लगती है 60% की, आरबी में जाते हो वहाँ पे भी 60% की क्राइटेरिया लगती है। अगर तुम प्लेसमेंट के लिए आते हो ना, आँख मूंद के यहाँ के बैंगलोर के कोई भी छोटे मोटे कॉलेज में होता है कि तुम जाओ वहाँ पे एडमिशन करा लो, लाइक जो केली सीएमआर यूनिवर्सिटी सीएमआरआईटी और भी बहुत सारे जो कॉलेज हैं तुम जहाँ पे जाके जैन यूनिवर्सिटी वहाँ पे कर सकते हो तुम जाके, ठीक है। तो अभी पीएस में भी अभी तुम अगर आओगे तो यहाँ पे अगर थ्रू आउट 60% अगर तुम अच्छा करते हो, अगर यहाँ पे भी 7 CGPA मेंटेन करके रखते हो, तो भाई तुम हर एक कंपनी में बैठ सकते हो और बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। यहाँ से 250 से 300 कंपनी आती है, एटलीस्ट गूगल भी आती है, मैंने देखा नीचे जाके कि गूगल में भी एक स्टूडेंट का सेलेक्शन हुआ है। तो बेस्ट कॉलेज फॉर एमसी है, सबसे पहले NITs आती है, सो फिर हम आ जाते हैं प्राइवेट कॉलेज में, सो VIT वेल्लोर, VIT चेन्नई, ये सब आती है, और उसके बाद आती है MIT मणिपाल। और ये मैं लिख के बोल रहा हूँ ना, कुछ दिनों में MIT मणिपाल के प्लेसमेंट के हिसाब से MIT मणिपाल NIT को भी पीछे छोड़ने वाली है, क्योंकि वहाँ की प्लेसमेंट इतनी अच्छी है ना, इतनी अच्छी है। मैं तुमको अभी ये बता रहा हूँ कि आउट ऑफ 140 स्टूडेंट 133 स्टूडेंट गॉट प्लेस्ड इन MIT, और जो भी एक्चुअली में वहाँ पे जिनके पास स्किल्स भी नहीं थी वो भी प्लेस हो गए हैं। तो मैं ये बता दूँ भाई, अगर तुम ये सोच रहे हो ना कि विच कॉलेज इज़ गुड फॉर MCA, तो MIT मणिपाल मेन कैंपस इज़ द बेस्ट फॉर MCA गाइस। और मैं ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ। इसके अलावा भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, अगर तुम ये सोचते हो कि तुम बैंगलोर में आना चाहते हो, तो बैंगलोर में अगर मैं टॉप MCA कॉलेज की बात करूँ तो PSC यूनिवर्सिटी आती है। तो अब मैंने पी एस यूनिवर्सिटी क्यों बोला, MS रमैया या RV कॉलेज मैंने क्यों नहीं बोला, BMS मैंने क्यों नहीं बोला, क्योंकि देखो वहाँ पे एक्चुअली में अगर तुम नॉन कर्नाटक स्टूडेंट हो ना, तो वहाँ पे बिना मैनेजमेंट के तुम जा नहीं सकते। अगर तुम्हारे पास मोटे पैसे हैं तो लगाओ भाई, जाओ, बट अगर तुम्हारे थ्रू आउट भी 60% वहाँ पे नहीं है तो वहाँ पे प्लेस तुम नहीं होगे 100%। बट ये थ्रू आउट मैंने इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई तुम लोग जो फंसो नहीं बात में, ठीक है, क्योंकि मैं 1 साल से बैंगलोर में रह रहा हूँ, 2-3 साल से मैंने MIT में भी होता है कि बिताया है। तो गाइज एक्चुअली में जो मेरे अंदर में जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो रियली भी मैंने एक्सपीरियंस करा है। BBA, BCom ऑनर्स, BBA इन LLB, MBA के लिए अगर तुम क्राइस में जाना चाहते हो, सो दिस इज़ द बेस्ट फॉर यू गाइज। और अगर तुम ये सोचते हो कि मैं मास्टर्स के लिए जा रहा हूँ, MCA के लिए जा रहा हूँ, वहाँ पे अच्छा प्लेसमेंट हो जाएगा, तो एक बात दिमाग में हमेशा रखना, जहाँ पे BTech अच्छा होता है वहाँ का MCA ब्रांच भी बहुत अच्छा होता है। तो मैंने ये सोच समझ के क्यों बोला कि BSC इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी फॉर MCA, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन लेना उतना कठिन नहीं है। यहाँ पे एक जो एंट्रेंस होती है उसमें तुम जो पास हो ही जाओगे और उसके बाद तुम यहाँ पे आ जाओगे, इसमें जो कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। अब मैंने MS रमैया और RV का नाम इसलिए नहीं दिया क्योंकि भाई वहाँ पे एडमिशन लेना अगर तुम नॉन कर्नाटका स्टूडेंट हो ना भाई, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है भाई। वहाँ पे 3-3 लाख तुम्हें डोनेशन देने पड़ते हैं, उसके अलावा वहाँ की फीस भी होती है 3 लाख 4 लाख,
तो उन सब सारे कॉलेज की फीसेस बहुत ज़्यादा होती है, और अगर तुम्हारे जो थ्रू आउट 60% नहीं है तो प्लेसमेंट के क्राइटेरिया में तुम आओगे ही नहीं। भले बड़ी बड़ी कंपनीज आएगी बट तुम उसमें बैठ ही नहीं पाओगे। इस वीडियो से कोई भी रिलेटेड डाउट हो, अगर बैंगलोर में किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना हो लाइक ज्ञान यूनिवर्सिटी, ये सभी यूनिवर्सिटी में तुम जा सकते हो। और हाँ, एक और बात, तो मैंने मॉक इंटरव्यू सेशन स्टार्ट कर दिया क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी और ज्ञान यूनिवर्सिटी, पीस यूनिवर्सिटी, जितने भी यूनिवर्सिटी है उसके लिए मैंने मॉक इंटरव्यू मैंने स्टार्ट कर दिया सेशन। तो इफ़ यू वॉन्ट टू टेक माई मॉक इंटरव्यू सेशन दैन मेक श्योर तुम मेरे मॉक इंटरव्यू सेशन पर भी इनरोल करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वहाँ पे जाकर होता है इनरोल करो, उसके बाद हम दोनों मिलेंगे और उसके बाद मैं तुम्हारे स्किल्स को सही करूँगा एज वेल एज कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मॉक इंटरव्यू में यहाँ के क्राइस्ट के और जितने भी सारी यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पर डील करेंगे, उसके बाद दोनों साथ में निकालेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।